इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग को कैसे यूज करके आप लोग स्ट्रेटेजी को यूज करके कैसे मार्केट से कंसिस्टेंट बेसिस में रेगुलरली पैसा कमा सकते हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। पूरा लाइव चार्ट में मैं पूरा स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टॉक के ऊपर स्टॉक कैसे ढूंढा जाता है, आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त कौन सा स्टॉक है उसको ढूंढेंगे कैसे चार्ट में, वो भी मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ। स्टॉप लॉस कैसे रखना है वो दिखाने वाला हूँ। तो सब कुछ प्रैक्टिकली होने वाला है इस वीडियो में। और स्विंग ट्रेडिंग अगर आप लोग एक बार सीख गए तो इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट डायरेक्शन आप लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही एक मतलब स्ट्रॉन्ग टूल है मार्केट में पैसा कमाने का। तो ये स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो गए तो बाजार में इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट डायरेक्शन आप लोग पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले संक्षेप में जान लेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। मैं 5 पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद आपका स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में डिस्कस करूंगा चार्ट के ऊपर। स्टॉक फाइंड करेंगे लाइव चार्ट में, मैं आप लोगों के साथ कहां पे स्टॉप लॉस रखना है ये मनी मैनेजमेंट का थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद ये मार्केट का ऑल साइकिल में वर्क करता है कि नहीं, कौन सा स्ट्रेटेजी हमें यूज करना चाहिए मार्केट साइकिल में, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए संक्षेप में बता देता हूं कि व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग एक दो मिनट में। देखिए स्विंग मतलब आप जो हिंदी में होता है कि झूला झूलना, तो झूला कैसा झूलते हैं, ऐसा ऊपर जाता है नीचे आता है। तो वैसे ही स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाता है बुल मार्केट में तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है फिर से ऊपर जाता है ऐसा। तो ये जो स्विंग होता है ऊपर जाके नीचे आके फिर से ऊपर, ये जो झूला जैसा होता है कि नीचे आया फिर से ऊपर गया, ये चीज को सही समय पे पकड़ के अगर आप स्टॉक में ट्रेड करें और वहां से मुनाफा निकाले तो उसको ही हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। सपोर्ट में आपने खरीदे, जब रिट्रेस होके नीचे आया, उसके बाद जैसे ही स्टॉक ऊपर गया झूला ऊपर की तरफ गया तब वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिए। इसको जो स्ट्रेटेजी है, ये जो टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, इसको ही हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और इसको हमें थोड़ा सा जानने के लिए या थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी अब प्रैक्टिकली हम लोगों को जानना पड़ता है। क्या उसमें देखिए, अभी अगर आप ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोल के नेट में यूट्यूब में सर्च करेंगे तो हजारों आपको स्ट्रेटेजी मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो स्ट्रेटेजी काम का होता है जो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, जो बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही आसान शब्दों में कोई भी लोग समझ सकते हैं। देखिए इसीलिए क्योंकि प्राइस एक्शन जो होता है ना वही मेन चीज होता है। आप जितना भी इंडिकेटर यूज कर ले, क्योंकि आप क्या जानते हैं इंडिकेटर तो सभी लोगों के पास रहता है, चार्ट में हजारों इंडिकेटर मौजूद है सभी लोगों के पास है, लेकिन फिर भी सिर्फ 1% 2% ट्रेडर ही सक्सेसफुल है पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, क्यों ऐसा है कि कोई जो प्राइस एक्शन है उसको पकड़ना है, स्टॉक करना क्या चाहता है, तो इसीलिए सिंपल स्ट्रेटेजी ये होने वाला है। और उसको मैं चार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और उसको ही यूज करके मैं स्टॉक ढूंढने वाला हूं इस वीडियो में। तो देखिए पहले तो स्ट्रेटेजी में कौन कौन सा 2-3 टूल हम यूज करेंगे। एक है चार्ट में सभी का, जो भी ब्रोकर का आप चार्ट यूज करते हैं या फिर जो भी प्लेटफॉर्म का चार्ट यूज करते हैं वहां पे आपका मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो आप लोगों को मूविंग एवरेज ले लेना है। यहाँ पे मैंने SBI का एक स्टॉक का चार्ट ओपन किया हूँ डेली चार्ट में। यहाँ पे आप देखिएगा स्टडीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज MA ये मूविंग एवरेज का आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 मूविंग एवरेज लिया हूँ। एक है आपका 200 डेज मूविंग एवरेज, ये ब्लू वाला, उसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्लू वाला ये है 50 डेज मूविंग एवरेज, और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये आपका 20 डेज मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ आपका सिंपल पिवट मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे स्टडीज में कोई भी ब्रोकर या कोई भी प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग व्यू जहां पे भी जाएंगे ये सब कॉमन है। तो यहाँ पे जाके पिवट पॉइंट्स जब भी आप बोलेंगे ना तो यहाँ पे जैसे ही आप देंगे ये जो आपका रेड लाइन, ये जो आपका ब्लैक लाइन, ये जो ग्रीन लाइंस है ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली चार्ट में। ये क्या दर्शाता है, ये ग्रीन लाइंस जो है ये आपका सपोर्ट दर्शाता है और ये रेड लाइन उस समय के लिए उस टाइम पीरियड में आपका रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं और एक जो चीज है RSI। RSI के ऊपर
जस्ट आप आरएसआई प्लॉट करेंगे, यहाँ पे दो चीज है, 80 और 20 वैल्यू है। नीचे के तरफ अगर ये लाइन रहता है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 20 है, अगर ये ऊपर के तरफ ज्यादा है, यानी आपका बाजार या वो स्टॉक थोड़ा सा ओवर प्राइस है, ठीक है, मतलब ओवर बॉट है, ज्यादा भाग गया है ऐसा। और अगर बहुत नीचे आ गया है, इसका मतलब है वो ओवर सोल्ड है, यानी ज्यादा बिकवाली आ गया है, यहाँ से बाउंस बैक यानी ऊपर की तरफ जाने का चांसेस ज्यादा है। हर टाइम होगा ऐसा नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये आरएसआई आपको प्लॉट कर लेना है। ये तीन चीज हो गया सिंपल चीज। अब आ जाते हैं कि कैसे आप लोगों को देखना है। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में दो चीज है, एक है आप लोगों को मतलब डे ट्रेडिंग जैसा हमेशा स्टॉक का सामने चार्ट के सामने बैठना नहीं है। आप एक बार स्टडी कर लिए, उसके बाद आपका एंट्री पॉइंट आपका फिक्स्ड हो गया, तो आप ऑर्डर प्लेस करके भी आप आराम से अपना काम पे निकल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया ऑटोमेटिक, आपका टारगेट प्लेस कर दिए तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, आपका इंटरवेंशन का उतना जरूरी नहीं है। हाँ, ट्रेड लेने के बाद जरूर देखना पड़ता है कभी कभी, लेकिन उतना आपका डे ट्रेडिंग जैसा उतना इन्वॉल्वमेंट तो नहीं चाहिए। ये एक एडवांटेज है स्विंग ट्रेडिंग में, और यहाँ पे अगर आप अच्छा से काम एक बार सीख जाए तो बहुत पैसा आप कमा सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। पहले मान लीजिए कोई भी स्टॉक में, मान लीजिए मैं बाई के साइड में जाना चाहता हूं, पहले बाई वाला ही, क्योंकि बहुत ज्यादातर लोग 90% लोग बाई करके काम करते हैं, तो मैं बाई वाला चीज पहले बता देता हूं कि मैं बाई करूंगा एक प्राइस में, उसके बाद स्टॉक का प्राइस जब ऊपर की तरफ जाएगा तब मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो बुल मार्केट में एक स्टॉक या सेक्टर है कि नहीं, उसको जानने के लिए पहले तो मुझे 200 डेज मूविंग एवरेज देखना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है कि नहीं। तो SBI 200 डेज, ये जो ब्लू लाइन है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट है, एक एक कैंडल आपका डेली वन डे में कितना प्राइस हुआ है वो दर्शाता है। तो आपका वो हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि ये आपका बुल मार्केट में है, यानी आपका 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है, जो बुलिश साइन है। अब आ जाते हैं कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए तो हमें बाई करना है, ठीक है, कहां पे बाई करेंगे, तो हमें सपोर्ट जो लेवल्स जब जब आ रहा है तब हमें बाई करने के लिए सोचना है। जैसे कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक, मान लीजिए यहाँ पे मैं सितंबर में दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे सितंबर है 2021 का सितंबर, वहां से अगर देखेंगे आप, मान लीजिए, और रेड वाला आपका रेजिस्टेंस है, मैं बताया रेजिस्टेंस से स्टॉक नीचे आने का संभावना रहता है, और मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो आप देखिएगा स्टॉक को अगर आराम से यहाँ पे जैसे एक ऊपर के तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है, स्टॉक वापस आया, ये सब समय जब वापस आ रहा है तब आपको कुछ नहीं करना है, आराम से सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है वहां पे आपको वेट करना है, क्योंकि स्टॉक बुलिश है, आपका बुलिश व्यू है, आप बाई करके चलेंगे। तो पहले जब ये मूविंग एवरेज में आएगा, मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज है, इसमें फर्स्ट सपोर्ट बनता है, तो आपको पहला जो बाई है वो आपको यहाँ पे थोड़ा अमाउंट करना है, कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। कंफर्मेशन मींस मान लीजिए जिस दिन आप खरीदे, जहां पे जब आपका ये 20 डेज मूविंग एवरेज या कोई भी 50 डेज मूविंग एवरेज को भी जब टच करेगा तब आप खरीदे हैं, ठीक है, वहां पे आप खरीदे हैं, उसके बाद आपके क्या है, आप जितना मान लीजिए 100 शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं टोटल SBI का, उतना आपका पॉकेट का वैल्यू है। आपको तब जब वहां पे आ रहा है सपोर्ट में, तब आपको सिर्फ 50 स्टॉक या 30 स्टॉक ही खरीदना है, ठीक है, ज्यादा कमिट नहीं करना है पहले, ठीक है, पहला दिन जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डे ट्रेडिंग नहीं है। तो मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे आया, ये सब जोन में आया, जो आपका ये कैंडल देखिए, ये यहाँ पे 20 डेज का जो मूविंग एवरेज इसको टच हो रहा है, जैसे ही उसका नियरली आए तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए 435 है, यानी 430 440 ये सब के आसपास, 435 से लेके 440, तो ये 5-6 रुपए के जोन में आपको धीरे धीरे 30 स्टॉक या 50 स्टॉक आप खरीदे, वेट किए। उसके बाद जब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आपको दिखे कि नेक्स्ट दिन भी आपका जो स्टॉक है वो गिर नहीं रहा है, वो आपका जो मूविंग एवरेज जिसको बेसिस पे
आपने खरीदा था, मान लीजिए ये लाइन को, ये वर्ड को सुनिए, जिसके बेसिस पे यानी जो रीजन के लिए आपने खरीदे थे वो रीजन होल्ड हो रहा है, समझे? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कौन से रीजन के लिए खरीदे, क्योंकि सपोर्ट मुझे लग रहा है 20 डेज मूविंग एवरेज में है, तो वो आपका रीजन है कि वहां पे सपोर्ट ले रहा है, तो वो रीजन को, वो कारण को अगर नेक्स्ट डे ब्रेक नहीं करता है या उसको मान्यता देता है बाजार, तो ही आपको कंफर्मेशन आएगा कि नहीं, मेरा रीजन, मेरा कारण ठीक है, यहां पे बाय करना ठीक हुआ है, तो मैं और ऐड कर लेता हूं। समझिए, मैं आराम से आपको एक्सप्लेन किया। तो यहां पे देखिए, ये दो कैंडल को देखिए, यहां पे मैंने मान लीजिए बाय किया या यहां पे बाय किया, तो नेक्स्ट दो दिन देखा कि हाँ, इसको मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है या वीकनेस दिखा नहीं रहा है, रेड में हो रहा है लेकिन मूविंग एवरेज के आसपास ही बंद हो रहा है, मूविंग एवरेज को पूरा तोड़ के नीचे के तरफ जाना नहीं, वो नहीं कर रहा है, यानी मूविंग एवरेज को वो जो रीजन है, हाँ, वो जो कारण है जिसके लिए मैंने बाय किया था, उसको मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, तो प्लीज वहां पे और थोड़ा सा मैं एडिशन कर सकता हूं। तो अब मैं 50 खरीदा था और ज्यादा मैं 30 या 50 फुल कोटा में खरीद लूंगा। उसके बाद क्या है, स्टॉप लॉस देना है, जो मैं फोर्थ फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस करूंगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अब मुझे राइड करना है, देखना है स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कि नहीं, या मूवमेंट कैसे हो रहा है, ऐसा आंख बंद करके नहीं रहना है कि दिनों दिन मतलब आपका देखना नहीं है कि स्टॉक क्या परफॉर्म कर रहा है, दिन में एक बार तो देखना है, एंड ऑफ द डे एटलीस्ट आपको देखना है। तो देखिए आराम से ये जो है, ये जो मूविंग एवरेज जहां पे आया था उसको ब्रेक नहीं किया, या स्टॉप लॉस वहां से हम तो थोड़ा सा 10-15 पॉइंट्स नीचे देंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा, उसकी ऊपर ही रहा, और उसके बाद देखिए एक आराम से आपको आप मूव मिल गया, और कितना दिनों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मान लीजिए 20 दिन तक, यानी लगभग एक महीने तक ये SBI ऊपर के तरफ ही मूव किया, और आपको एक अच्छा मुनाफा दिया। ये 430-435 में अगर आप खरीदते तो पूरा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो ये 498 है, ये 525 है, यानी 525 रुपीस तक आप देखिए 450 से भी नीचे आप खरीदे, या 450 मान लेते हैं और स्टॉक चला गया 525 में, मतलब 100 रुपये, परसेंटेज टर्म्स में देखिए 20-30% शायद, हाँ उतना ही होता है, 120 रुपीज, मतलब आपका 30%, ऐसा हो गया आपका 1 मंथ में आपको 30% 40% का मुनाफा आपको एक स्टॉक में, एक ट्रेड में आपको निकाल के जा सकता है, अगर आप लोग का जो स्ट्रेटेजी है या देखने का नजरिया है या स्विंग ट्रेडिंग का जो मतलब सही में अगर आप एक्सपीरियंस के साथ वो कर पाए। पहले पहले नहीं होगा, इसीलिए तो आपको छोटा अमाउंट लेके काम करना है ना, पहले कुछ नहीं होगा, तब सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये आ जाएगा, ठीक है। सुन लीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को शायद आपको 2-3 बार भी देखना पड़ेगा, देख लीजिए, कुछ परवाह नहीं है, लेकिन एक बार अगर सीख जाएंगे चीजों को तो बहुत आराम से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, और यहाँ पे आपको देखिए, तब आपको ये RSI को भी देखना है। RSI देखिए यहाँ पे है, आप बाई कर रहे हैं तो तब आपको क्या देखना है कि ओवरबॉट ना रहे मार्केट, तब हम बाई अवॉइड करेंगे। आप बाई कब करेंगे, जब ये RSI का लाइन लगभग ये नीचे की तरफ है, मतलब मिडिल में है तो ठीक है, और यहाँ से ओवरसोल्ड है तो आपको तो बाई में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन बाई करने के लिए बोल रहे हैं तो ये लाइन 80, 75, 85, 90 ये सब जोन में रहे RSI, तो थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि ये तब ओवर मतलब ओवरबॉट जोन दिखाता है, इसको अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग मिडिल में ही था, तो आपको आराम से यहाँ पे बाई बनता है। अब आ जाते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करता है, और एक दो जगह में देख लेते हैं। देखिए फिर ऊपर गया और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस आया, आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पे जो रेड जोन बना, यहाँ से कितना अच्छा स्विंग हुआ, यहाँ पे गया स्विंग करके नीचे आया, जो मैं आपको बोल रहा था कितना अच्छा। और मैं रेजिस्टेंस आपको प्लॉट करने के लिए, ये चार्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको कुछ करना नहीं है, आराम से इस जोन को देखिए। SBI एक बार तोड़ने का कोशिश किया, नहीं हो पाया, नेक्स्ट दिन भी छोटा ये हटा देता हूँ, नेक्स्ट दिन भी वो ट्राई किया, यहाँ पे देखिए ये जो छोटा कैंडल बना,
नहीं कर पाया, उसके बाद देखिए तो ये नीचे आने का शुरुआत कर दिया। तो इस जोन को अगर आप 3 दिन से देखे और देखे कि SBI नहीं भाई, ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये प्राइस कौन सा प्राइस है, ये मान लीजिए ये 530 का जोन मान लेते हैं ये है, तो ये जोन में वो अटक रहा है। प्राइस को देख के ही पता चलता है ना, 3 दिन एक ही जगह में अटक रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी चार्ट में शो कर रहा है, पिवट में वहां पे रेड लाइन आ रहा है, तो भाई यहाँ पे तो थोड़ा सा शॉर्ट बनता है। अभी शॉर्ट नॉर्मल इन्वेस्टर जो आप अगर छोटे रिटेल इन्वेस्टर है तो प्लीज अभी शॉर्ट के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप फ्यूचर में ही सिर्फ शॉर्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में ट्रेड करना पहले ही थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन जो लोग फ्यूचर कर जानते हैं उन लोगों के लिए आराम से यहाँ पे आप शॉर्ट डाल सकते थे और देखिए आपका मतलब लगभग एक महीने के अंदर कितना अच्छा आराम से आपका स्विंग मिल गया। और उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से स्विंग में कहां पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आराम से सपोर्ट है, ग्रीन लाइन दिख रहा है और इसको इन्होंने रेस्पेक्ट किया, रेस्पेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर भी आए। तो जो लोग यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक या यहाँ पे थोड़ा सा बाई करने का मतलब हिम्मत रखा वो लोग यहाँ पे बाई एक बनता है, जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जो लोग हम बाई करके ही ज्यादा चलते हैं वहां पे बाई बनता है जहां पे मैंने ये मार्क किया। तो और देखिए 5-7 दिन में स्टॉक ऊपर गया कितना, 450 यहाँ पे, हाँ 450 जोन से वो 500 रुपए तक, आपका 50 रुपीज यानी आपका 15% ऑलमोस्ट 10-12% आपका SBI में आपका एक दो हफ्ते के अंदर मुनाफा आ गया। तो ऐसा स्विंग ट्रेडिंग को आप लोगों को करना है। अभी स्टॉप लॉस और थोड़ा सा टारगेट के बारे में बात कर लेता हूं, मूविंग एवरेजेस के बारे में और बात कर लेता हूं। आप यहां पे क्वेश्चन करेंगे संजय देखिए यहां पे तो आपने बोला था मूविंग एवरेज में सपोर्ट आता है, तो यहां पे तो सपोर्ट लेना चाहिए था ना, ये तो सपोर्ट नहीं लिया तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे मैं अगर बाई करता तो मैं फंस जाता, ये काम नहीं किया। देखिए स्ट्रेटेजी को मैंने क्या बोला, अगर आप देखेंगे कि आपका जो रीजन है मतलब जिस कारण के लिए आप खरीदे थे वो आपका सेटिस्फाई नेक्स्ट दिन या एक दो दिन होल्ड कर रहा है तो ही आपको क्वांटिटी बढ़ाना है, नहीं तो वो स्टॉक से स्टॉप लॉस से पहले ही भी आप एग्जिट कर सकते हैं। देखिए आप कहाँ पे खरीदेंगे बोलते हैं, देखिए आप यहाँ पे खरीदेंगे ना, यहाँ पे जब आया ये 2 दिन में खरीदेंगे, ठीक है। एक दिन आप खरीद के नेक्स्ट दिन आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट 2-3 दिन आप क्या देखेंगे, ये जब भी कैंडल बन रहा है तो ये देखिए ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर रहा है और इस दिन तो वो नीचे ही ट्रेड कर रहा है हमेशा। तो यहाँ पे आपको तब देखना है, हाँ अगर आप यहाँ पे बाई भी कर लेते हैं 30 क्वांटिटीज, आपको 100 क्वांटिटी लेना था लेकिन एक बार में नहीं, अगर आप यहाँ पे 30 क्वांटिटीज बाई भी कर लिए लेकिन नेक्स्ट 1-2 दिन में आप थोड़ा सा लॉस लेके यहाँ से निकल जाएंगे ना, क्योंकि आपने किस लिए लिया कि मूविंग एवरेज होल्ड हुआ तो मैं ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा, मूविंग एवरेज होल्ड ही नहीं हुआ, ये जो ग्रीन लाइन है ये मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ गया प्राइस एक्शन, तो वहां से निकल जाना है, इस बारे में ध्यान रखिए, ठीक है। आप और आपको मार्केट बोल देगा आपका, देखिए नेक्स्ट ये जो डेज में आपने लिया उसके ऊपर ये लोग क्लोज नहीं कर रहा है, उसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे रहा है 1-2 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक में वीकनेस है वो आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ देखिए ये वन ऑफ नहीं है, जब यहाँ पे ऐसा चल रहा था तब शायद ओवरऑल मार्केट जो मैं आपका यहाँ पे बोला था, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, सभी 3-4 स्ट्रेटेजी को एक साथ करके अप्लाई करना है, इसीलिए तो प्रैक्टिस चाहिए। ये जो ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं बोला था, मैं क्या बोला, इसके साथ साथ ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन भी देखना है। यहाँ पे ओवरऑल निफ्टी तब नीचे की तरफ जा रहा था, तब आपको पॉजिटिव अप्रोच ज्यादा नहीं रखना है, रखना भी है तो थोड़ा क्वांटिटी लेके ही काम करना चाहिए, ठीक है। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार सीख जाएंगे तो आपको पीछे मुड़ के देखने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत पैसा आप कमा सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो देखिए ये बात में तो नेक्स्ट चीज को देख लेते हैं, थोड़ा सा और पीछे आते हैं, ठीक है, आज के सिनेरियो भी बोलूंगा, थोड़ा सा और पीछे आते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रीवियसली ये सपोर्ट जैसे काम किया। यहाँ पे देखिए साइडवेज है SBI, यहाँ पे साइडवेज है, एकदम साइडवेज।
कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं था यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास आसपास ऐसा घूम रहा है। ऐसा जब आप स्टॉक देखेंगे उसको तब स्विंग ट्रेडिंग के लिए मत लीजिए, ठीक है। स्टॉक को अवॉइड करना भी आना चाहिए। स्टॉक कौन सा स्टॉक को आपको लेना है, जो आपका अच्छा मूव दिया उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस होके अपना सपोर्ट जोन के आसपास है, वही। अगर साइड जोन, ये देखिए, ये मैं स्क्वायर बॉक्स में ड्रॉ किया ना, ये लगभग क्या है, ये जून से लेके जुलाई अगस्त, इतना दिन तक, 2 महीने तक, ये 1.5 महीने तक साइडवेज ही है। तो तब साइडवेज मार्केट में, मतलब जो स्टॉक साइडवेज चल रहा है उसको स्विंग ट्रेड के लिए अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अवॉइड करना है वो भी मैं आपको बताया। थोड़ा सा और पीछे आते हैं, ढूंढते हैं और कोई आपका चांस मिला है कि नहीं। यहाँ पे अच्छा मौका देख रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए आपको मैं बोला था, आपको 3 मूविंग एवरेज मेन दिया। देखिए 20 डेज मूविंग एवरेज होता है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए, और उससे भी ज्यादा अच्छा सपोर्ट काम करता है 50 डेज मूविंग एवरेज, जो आपका ये ब्लू वाला, डीप ब्लू वाला लाइन है। जितना आप नीचे आएंगे, जितना आप ज्यादा समय का मूविंग एवरेज लेंगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो आपका देखिए यहाँ पे इस समय क्या हुआ, ये 50 डेज मूविंग एवरेज में आपका एक ग्रीन कैंडल बना, यानी आपका एक कंफर्मेशन हुआ कि बायर्स लोग ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रहा था ना, रेड रेड कैंडल बन रहा था। जिस दिन आपको ये लगा कि हाँ अभी बायर्स एक्टिवेट हो रहा है, और कहाँ से एक्टिवेट हो रहा है, एकदम जहां पे 50 डेज मूविंग एवरेज है उससे ही ये बाउंस कर रहा है, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाई करने का। तब आप वही टेक्निक, 30 स्टॉक पहले खरीदे, 100 लेना था 100 नहीं लेंगे, 100 लेना था 30 स्टॉक लीजिए, नेक्स्ट दिन देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, नेक्स्ट दिन देखा नहीं छोटा कैंडल बना और मेरा जो ये मूविंग एवरेज है या डे का लो भी है वो ब्रीच नहीं हुआ, उसके ऊपर ही पूरा ट्रेड किया। तो यहाँ पे और क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, चलिए और 25 स्टॉक खरीद लीजिए, और 30 स्टॉक खरीद लीजिए, तो टोटल 80 स्टॉक हो गया मान लेते हैं, और 20 स्टॉक आप नेक्स्ट दिन देखिए एक बिग कैंडल बना, तो यहाँ पे और खरीद लीजिए। तो ऐसे करके आप यहाँ पे टोटल 3 दिन में आप 100 शेयर खरीद लिए, कोटा पूरा हो गया आपका, और आपका अगर देखेंगे एवरेज प्राइस इसके आसपास बन जाएगा, राइट, इसके आसपास। तो आप देखिए उसके बाद कितना अच्छा मूव आप लोगों को मिल गया होता। मतलब ये रेंज आपको अगर मैं दिखाऊं, ये आपका 270 के आसपास है, शायद 270 के आसपास, और ये ट्रेड में आपको, हाँ यहाँ तक शायद, हाँ ये मुझे याद है ये सीनेरियो, शायद ये रिजल्ट के समय था। तो ये देखिए ये यहाँ पे आप आके इतना तक आपका 372 रुपये, बाप रे बाप, मतलब परसेंटेज टर्म्स में तो बहुत परसेंटेज होता है, 270 से लेके आपको 372 रुपये तक आपको मुनाफा देके गया है। तब आप निकल जाइए, देखिए आप स्टॉक में है 3-4-5 दिन में बहुत अच्छा मुनाफा आया है, तो मतलब पकड़ के रखने का कोई, स्विंग ट्रेडिंग इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, हाँ ये समझिए, स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे 3-4 दिन में अच्छा मुनाफा आ रहा है, 10% से ज्यादा आ रहा है, निकल के भागना है, और यहाँ पे तो आपका मतलब कितना 30-40% मुनाफा आ रहा है, तो यहाँ पे तो निकलना बनता है, ज्यादा लोभ भी नहीं करना है, निकल जाइए, ठीक है। तो ये होता है आपका जो मूविंग एवरेज और आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट जो ग्रीन लाइन आपका चार्ट में ही आ जाएगा उसको देखना है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं, स्पेशली इंफोसिस, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस के ऊपर बात कर लूंगा, टारगेट के ऊपर भी बात कर लूंगा। देखिए मान लीजिए आपका इंफोसिस, अभी देखिए अभी इंफोसिस, आज के दिन में अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चूज करना है तो मैं इंफोसिस को इस लेवल में, ये देखिए ये जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें लेने का कोई फायदा नहीं होता है स्विंग ट्रेड के लिए। कब लेंगे, जब ये कंसोलिडेशन को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा या फिर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा तब सेल का सोचेंगे, जब ऊपर जाएगा तो आप पॉजिटिव यानी बाई करके चलना सोच सकते हैं, नहीं तो साइडवेज मार्केट में, साइडवेज जो स्टॉक है उसको आपको अवॉइड कर देना है, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं कि कहाँ पे आपका, हाँ यहाँ पे देखिए आराम से ये जोन में देखिए, ये जोन में स्टॉक बहुत भाग गया था, यहाँ पे ये नीचे से आया,
यहाँ पे भी आपको एक बाई हो सकता है। देखिए ये पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट इज ऑल्सो अ सपोर्ट, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार अगर आप बाई करते तो देखिए आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट मिला। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए ये यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, आप देख रहे हैं ये आपको मिस हो गया, ये होता है, ले मतलब मुझे लेना है सोचते रहते हैं और मिस हो जाता है, ठीक है। चलिए मिस हो गया तो उसको कूद के पकड़ना नहीं है, चांस देगा बाजार। फिर से आप इसको देखने लगे और मूविंग एवरेज मूव करता गया, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर फिर से आया है। और ये कौन कैसा स्टॉक है, कैसा स्टॉक है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ये कैसा स्टॉक है, ये बुल स्टॉक है। तब तब यहाँ पे इस रीजन में ये बुल वाला स्टॉक था, क्यों, ये 20 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये आपका ये तब सेक्टर, ये आपका नहा जून 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 अगस्त में, ये 2021 का है, तब आईटी सेक्टर भाग रहा था, तो ये बुल सेक्टर में है, तो इसको बाई करके ही जाना है। लेकिन इसमें ये टॉप में ये सब जगह में खरीदना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट भी नहीं है, ये मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, मूविंग एवरेज में भी नहीं है। और यहाँ पे RSI देखिए ये ओवरसोल्ड हो गया, सॉरी ओवरबॉट हो गया, क्योंकि ये 80 से ऊपर बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बाई नहीं करना है, इस जोन में जो मैं यहाँ पे सर्कल किया वहां पे वेट करना है, बुल स्टॉक को खरीदना है लेकिन प्रॉपर टाइम में खरीदना है। मतलब अभी तो भागेगा बोल के ही ले लेना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इन्वेस्टिंग के लिए इस अलग है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत टाइम है, स्विंग ट्रेडिंग ऐसा नहीं है। तो आपको वेट करना है, और जब ये स्टॉक फिर से अपना मूविंग एवरेज के तरफ आता है, ये कंसोलिडेशन फेज खत्म करके यहाँ पे, तब आपको ये जोन में 2-3 दिन जैसे ही होल्ड कर रहा है, वही थ्योरी, अगर आप 100 इंफोसिस का स्टॉक लेना चाहते हैं पहले 30 खरीदिए, देखिए उस सपोर्ट को जो जिसको आप कारण समझे थे वो कारण होल्ड होकर कर रहा है कि नहीं, तब आप खरीदिए। तब देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं RSI भी नीचे ही है, मतलब 80 के ऊपर तो नहीं गया है, ओवर मतलब बॉट ज्यादा बाई के तरफ है लेकिन उतना भी ओवर बॉट नहीं है, तो यहाँ पे एक छोटा अमाउंट बाई किया जा सकता है बुल सेक्टर में और बुल स्टॉक में। तो यहाँ पे आप फिर से 100 अगर स्टॉक बाई किए होते इंफोसिस का, तो देखिए ये आराम से ऊपर के तरफ आपको कितना, शायद ये मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं देख रहा हूँ, 1600 से लेके ये 1750 तक, हाँ मतलब आराम से 10% से ज्यादा रिटर्न आप लोगों को कितना, शायद 15-20 दिन में आपको दे दिया। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग का आपका जो कैरिश्मा, मतलब 1 मंथ में आप लोग अगर ठीक से स्टॉक पकड़ पाए तो आराम से 10% 20% तक आप लोग कमा सकते हैं। मैं ये कोई दावा नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपको ये स्ट्रेटेजी या आपको चार्ट रीडिंग में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो ये आप खुद व खुद कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आसान शब्दों में समझ रहा हूं, और भी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कीजिएगा, कहीं पे कंफ्यूजन है और ज्यादा लोगों का कंफ्यूजन एक पॉइंट में रहेगा तो मैं फिर से अलग सा वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए। अभी स्टॉप लॉस और टारगेट के ऊपर आ जाते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट के ऊपर आ जाते हैं, कैसे आप तो ट्रेड ले लिए, इसको ही समझते हैं, ये ट्रेड को ही ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, देखिए यहां पे आके मान लेते हैं यहां पे आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद आपको ये 1-2 दिन होल्ड किया, तब आपको अभी हाँ ट्रेड में है, मतलब ट्रेड इज वर्क आउट, तो मुझे स्टॉप लॉस भी रखना है जब भी आप ट्रेड लेंगे, वो 30 क्वांटिटी जब खरीदेंगे तब भी आपको स्टॉप लॉस रखना है। नियर टर्म जहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे एक पिवट जैसा है दिख रहा है, यहाँ पे आप रख दीजिए, ठीक है। या मेरे हिसाब से मैं क्या रखता हूँ, मतलब जहाँ पे मैं खरीदा उससे स्टॉक के हिसाब से 2% या 3% डिपेंड्स ऑन आपका मनी मैनेजमेंट कैपेसिटी, आपका कितना डीप पॉकेट है, लेकिन 2% का कुशन इज ओके। तो आपका अगर इंफोसिस तब कितना चल रहा था, 1573 मतलब 15.1% के आसपास होता है गोल गोल में, तो 15 पॉइंट्स, तो 2% मीन्स 30 पॉइंट्स के एक स्टॉप लॉस एक गैप रख लीजिए, यानी मान लीजिए 15.1570 में अगर आप खरीद रहे हैं तो वहां से 30 पॉइंट्स नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दीजिए, 1540 में स्टॉप लॉस रख के काम कीजिए, ठीक है। ऐसा कीजिए, अब वहां पे मैं नहीं जा रहा हूं कि 40 रखना है या 41.2
25 पैसा रखना है उसमें नहीं जा रहा हूं, वो कभी अलग सा स्टॉप लॉस का एक अलग सा वीडियो बना के मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे रखना है सिस्टम में, कौन सा रखना बेटर है ऑपरेटर से बचने के लिए, वो अलग ही टॉपिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा वो 2% का गैप रख के आप कर सकते हैं, ज्यादा उतना ले नहीं पाएंगे तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दीजिए ताकि स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ ना हो। बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मत रखिए कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिए इंफोसिस के लिए, इंफोसिस में 5 पॉइंट वैसे ही आ जाता है तो आपका पोजीशन कट हो जाएगा, इसीलिए पोजीशन को कम कर दीजिए ना, नंबर ऑफ स्टॉक को कम कर दीजिए लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा 1% 2% थोड़ा सा कुशन रख के कीजिए। वर्कआउट नहीं हुआ तो ठीक है, 30 × 30 पॉइंट्स कितना, 30 शेयर्स लिए 30 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस है 900 रुपए के आसपास लॉस होके अब निकल जाइए। कभी भी अगर, लेकिन देखिए लॉस होके स्टॉप लॉस होके निकल जाने में कुछ मतलब दोष नहीं है, क्योंकि मार्केट जब आपको देगा ना तब आपको मतलब छप्पर फाड़ के देगा, 10-20% का आप रिटर्न लेके निकल जाएंगे, तो 2% उसमें मार्केट को देने के लिए क्या जाता है, इससे ही तो एक्सपीरियंस होगा। अगर उतना भी झेल नहीं सकते हैं तो थोड़ा सा कम अमाउंट 10 शेयर्स लेके काम कीजिए, ठीक है ऐसा। तो अभी स्टॉप लॉस में बोल दिया कि 2% का रूल थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए मतलब स्टॉक का प्राइस के ऊपर, और उस हिसाब से अपना पोजीशन नंबर ऑफ शेयर्स को कम ज्यादा कीजिए, कितना आपका एब्सोल्यूट टर्म्स में आप लॉस झेल पाएंगे उस हिसाब से, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आपको और एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, यहां पे आता हूं, या अब मैं टारगेट के ऊपर बात करूंगा थोड़ा सा, कैसे आपको टारगेट भी सेट करना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया, आपने मान लीजिए यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे एक डाउन मूव आया, उसके बाद ये अप मूव हुआ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आप बाई करते हैं, या यहाँ पे आप बाई करते हैं इस जोन में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक कलर है ये आपका पिवट है, पिवट इज ऑल्सो अ सपोर्ट, तो इसके आसपास 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा घूम रहा है तो इसके आसपास ही है, तो आप मानते हैं आप एक बाई का चांस लिए, थोड़ा सा अमाउंट 10 शेयर 20 शेयर बाई किए हैं। यहाँ पे ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा अमाउंट लेके ही करना है, यहाँ पे मान लीजिए बाई किए हैं, जैसे ही बाई करते हैं ना इस टाइप सिनेरियो में क्या करना है, मान लीजिए जहां पे ही करेंगे ये जो 1-2-3 दिन का जो लो है ना वहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि इस टाइम आप नहीं जानते हैं कि ब्रेक डाउन करके नीचे भी आ सकता है, तो इसीलिए उस टाइम आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, या 2% का रूल फिर भी एप्लीकेबल होता है तब आप वो से ही करते हैं, क्योंकि 2% ज्यादा नहीं होता है अगर आप पोजिशन साइज को कम रखेंगे। लेकिन टारगेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आपका अभी तो यहाँ पे ट्रेड आपका बाई का ट्रेड वर्कआउट हो जाएगा, तब आपको नेक्स्ट जब दिखेगा यहाँ पे, नेक्स्ट जब आपको इधर दिखेगा, देखिए इधर एक आपका लाल रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने बाई किया और यहाँ पे आपका लाल आ रहा है, यहाँ पे आपका लाल आ रहा है, यानी ये सब आपका रेजिस्टेंस जोन है, तो रेजिस्टेंस जोन में आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर देना है। डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर यू आर, क्योंकि जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं टारगेट देते हैं तब ये टोटली इन्वेस्टर के ऊपर आता है कि इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या है, ये कोई रूल के ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं जो भी रूल बोलूंगा आप लोग वो इमोशन से वो नहीं कर पाएंगे, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव, लाइक आर यू एग्रेसिव इन्वेस्टर, अग्रेसिव ट्रेडर और मॉडरेट ट्रेडर, जिसको तई थोड़ा सा आए तो भी ठीक है, आर यू कंजर्वेटिव टाइप ऑफ ट्रेडर, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं जो सभी को बोलूंगा कि मैं अगर होता तो क्या करता, अगर मैं नया शुरुआत कर रहा हूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में जब आएगा तब मैं 100 शेयर्स लिया था उससे 50 शेयर मैं बुक कर लूंगा, ठीक है, 50 या 30 या बेस्ड ऑन आपका रिस्क कैपेबिलिटी उतना प्रॉफिट बुक कर लूंगा और बाद बाकी को देखूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा तब वो जो कैंडल है उसका डी का लो में, वो अगर चला जाए तो मैं निकल जाऊंगा, वो मत। और यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल होना है, आपको शेयर को पकड़ के नहीं रखना है, नहीं नहीं ऊपर तो गया था अब फिर से ऊपर जाएगा तब भी बेचूंगा, नहीं, तब आप क्या करेंगे, प्रॉफिटेबल जो ट्रेड है वो भी आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लीज उसको मत कीजिएगा। तो आप 50 बुक कर लीजिए और बाद बाकी 50 नेक्स्ट जब आपका रेड में आता है वहां पे बुक कर लीजिए, तो ऐसे भी कर सकता है, नहीं तो आप अगर कंजर्वेटिव है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में ही पूरा आप क्वांटिटी खाली कर सकते हैं, ऐसे भी रखेंगे तो भी पैसा तो बनेगा, मेन चीज है आपको पैसा बनाना है।
और आप लोग जानते हैं, अगर आप थोड़ा सा ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग ये सब में डिस्काउंट ब्रोकर के साथ डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, तो शायद डिलीवरी में आपका जो ब्रोकरेज है वो जीरो है, जीरो ब्रोकरेज, आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं है, तो आराम से आपको जितना मुनाफा आ रहा है वो आप पॉकेट में लेके जा सकते हैं। ये ऐसा टारगेट फॉलो कीजिए, नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, और तब आरएसआई को भी देखना है। आरएसआई अगर देखिए यहाँ पे ओवरबॉट की तरफ जा रहा है, मतलब ये सब जोन में, तो ये सब जोन में अगर आप 100 क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी है वो बुक कर लेना बेटर है। हाँ, उसके बाद देखिए फिर से ऊपर गया है, लेकिन तब तो आप नहीं जानते हैं ना कि नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर आप लिए हैं तो यहाँ तक आपने अच्छा मुनाफा कमा लिए हैं, तो और कितना है, एटलीस्ट 50% 60% प्रॉफिट बुक करना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो रख के फायदा नहीं, फिर से एंट्री लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बुक कर लेना है। तो ऐसा आपको टारगेट को भी चार्ट में कर लीजिए, 2-3 सिंपल पैटर्न चार्ट में रख लीजिए, इसको यूज करके आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। शायद बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, लास्ट पॉइंट मैं बोल के खत्म कर रहा हूँ जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए वो है आपका वर्क्स ऑल टाइम, हर टाइम में कर सकता हूँ क्या, हर मार्केट साइकिल में, ठीक है। इसको बोलने से पहले प्लीज, मेरा ये एफर्ट को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए वर्क्स ऑल टाइम मींस, मान लीजिए दो टाइप का बाजार होता है, एक बाजार है बुल साइकिल, एक है आपका साइडवेज, और थर्ड है आपका जब बियर साइकिल यानी डाउनवर्ड मार्केट। हर साइकिल में, बात सुन लीजिए, हर मार्केट का मार्केट मतलब आपको निफ्टी, सेंसेक्स ये सब बोल रहा हूँ, राइट। मार्केट जो भी कंडीशन में हो, मैं बियर फेज को अभी हटा रहा हूँ, मैं बोलूंगा मार्केट का दो फेज, जो बुल फेज है और साइडवेज फेज है, दोनों ही फेज में आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमेशा कोई ना कोई सेक्टर, कोई ना कोई स्टॉक मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आज के दिन में निफ्टी सेंसेक्स साइडवेज है, यहाँ पे भी आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी चार्ट में मिलेगा। बहुत सारा सेक्टर अच्छा है, बहुत सारा स्टॉक्स आपको ये ऐसा स्विंग ट्रेडिंग के लिए मौका देगा, ठीक है। बियर फेज में क्या होगा, बियर फेज में आप लोगों को उतना ज्यादा मौका, क्योंकि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है तो बाई साइड करके चलते हैं, तो बुल बियर साइकिल में आपको उतना ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक नहीं मिलेगा जहां पे आप बाई करके स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, तब आपको सेल करके जो स्विंग ट्रेड है वो बहुत मिलेगा और वो बहुत पैसा कमा के देता है। लेकिन उसके लिए आपको फ्यूचर में ट्रेड करना पड़ेगा, और उसके लिए पहले बाई के ऊपर आप थोड़ा सा माहिर हो जाए, थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग को एज अ होल समझ ले, तो आप आराम से तब भी सेल साइड में आप करके स्विंग ट्रेड करके आराम से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। मैं एसबीआई में जैसे बोला ना, जब नीचे आया रेजिस्टेंस में, लाल दाग से और रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, तो आप आराम से वहां पे कर सकते हैं। आरएसआई को देख लीजिए, ओवरऑल मार्केट को देख लीजिए, तब आप आराम से शॉर्ट पोजीशन बना के सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो इन शॉर्ट, पहले तो बाई करके जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको थोड़ा सा माहिर हो जाइए, उसके बाद धीरे धीरे आपके पास जब फ्यूचर में जब आप काम करने के लिए कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि उसके लिए पैसा भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है, मार्जिन अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो जब वो हो जाएगा तब आप शॉर्ट साइड में भी कमा पाएंगे। तो ऐसे करके आपको एक वर्ड में अगर आप बोलेंगे कि वर्क्स ऑल टाइम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऑल द मार्केट साइकिल अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे बाइज करके हो या सेल करके हो, ठीक है। लेकिन स्टॉक कैसे ढूंढना है और स्टॉप लॉस मनी मैनेजमेंट को कैसे करना है, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आता है और उसके ऊपर ही पूरा गेम निर्भर है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जब आप नया स्टार्ट कर रहे हैं बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा स्टॉक को चार्ट के ऊपर देख के लीजिए, उसके बाद प्रॉफिट बुक कीजिए, ऐसा करके पहले सीख लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।